नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपको ये कुछ बोर्ड पड़े हुए मेरे पास, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा किस तरीके से ये बोर्ड काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कृपया कर इसको सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको ये बोर्ड बताता हूँ। देखिए, एक बोर्ड ये है, ये बोर्ड, ये दोनों बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आजकल मार्केट में यही उपलब्ध है। एक ये जो बोर्ड है 65 वाट से लेके 75 वाट पर सही काम करता है, और दूसरा ये बोर्ड है जो 50 वाट का और 40 वाट पर अच्छा काम करता है, और एक ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो है अपना जो है 40 वाट से लेके 38 वाट पर अच्छा काम करता है। ये अधिकांशतः ये बोर्ड जो है अपना 24 इंची सेट पे लग के आता है, एलईडी में लगता है। कॉम्बो बोर्ड है, तीनों बोर्ड जो है कॉम्बो बोर्ड है, और तीनों में एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है 53 का। तो इसका नंबर जो है इसमें देखिए ये लिखा है VSTP53U52.2, ये लिखा हुआ है इसका नंबर। ठीक, इसके बाद ये इस पे आते हैं। ये अधिकांशतः 32 इंच के टेलीविज़न पे लगाया जाता है, एलईडी में लगाया जाता है। इसका नंबर जो है ये दिया हुआ है VSTP53U7171.2, ये इसका नंबर है। ये इसको कट वाला मदरबोर्ड भी कहते हैं। और ये जो है, ये बोर्ड जो है अपना VSTP53U6162.2, ये जो बोर्ड जो है अधिकांशतः 40-42 इंच से लेकर आप 55 इंच तक में लगा चुका हूँ, वैसे 65 इंच तक में ये लग सकता है और बढ़िया काम करेगा ये। एक्चुअल में ये जो 32 इंच का जो मदरबोर्ड है, ये भी आप 40 इंच में लगा सकते हो, 32 इंच में भी लगा सकते हो, 40 इंच में भी लगा सकते हो, इसको भी आप 40 इंच में लगा सकते हो, बल्कि 65 इंच के सेट पर लगा देंगे। परंतु इन तीनों में सबसे बड़ा मैंने आपको डिफरेंस बताया क्या है, वाटेज का अंतर है। तो इसको लगाएंगे वो क्वालिटी नहीं आएगी जो क्वालिटी आना चाहिए। दूसरी चीज, आप इसका बैक लाइट उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी बैक लाइट में कुछ और बोल्ट चाहिए और इसमें कुछ और चाहिए, ये अंतर आ जाएगा। यदि आप अलग से बैक लाइट लगाते हैं तो ये बोर्ड भी आप 65 इंच तक में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही इसको भी लगा सकती हैं आप, इसमें भी सिर्फ बैक लाइट का ही अंतर रहता है। वैसे ये मैंने 40 इंच में भी लगाया, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, परंतु इसमें एक ही चीज़ ख़राब हो जाती है बैक लाइट में, ये जो डायोड लगाया जाता है, जो ये डायोड ख़राब हो जाता है इसमें, जो एलईडी के लिए गया है, जो बैक लाइट के लिए ये डायोड ख़राब हो जाता है। यदि इस डायोड को आप चेंज कर देंगे तो ये काम करेगा। और ये जो अपना वैसे है ही 40 का और 65 इंच में लगाने के लिए, तो ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ये बताते हैं। इन तीनों का प्रोसेसर एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर ये है, देखिए ये जो है ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट पैनल के लिए है, और 12 वोल्ट ये दो दिए हैं यहाँ पर। जम्पर है इसमें, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये जो है ये केवल 12 वोल्ट पे ही काम करता है, इससे 12 वोल्ट ही आउट होते हैं। और ये जो है ये भी 12 ही वोल्ट आउट करता है। कारण क्या है कि बड़े जो पैनल जो रहते हैं वो 12 वोल्ट पे ही काम करते हैं, अधिकांशतः 12 वोल्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चेंज किया गया है, और कोई अंतर नहीं है इसमें। इसमें वाटेज के हिसाब से देखिए आप, इसमें जो ये ट्रांसफार्मर लगा है सप्लाई वाला, SM ट्रांसफार्मर जो है, इसमें देखिए इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें जो 32 इंच में है उससे छोटा लगा हुआ है, और इसमें और छोटा लगा हुआ है। ये करंट के हिसाब से है, तीनों में करंट अलग अलग है। ठीक है, इसमें
की के पेट के लिए अलग से कोई सॉकेट नहीं, कोई अलग से कीबोर्ड नहीं मिलता है इसमें, ना रिमोट आता है, रिमोट भी नहीं आता इसमें और आईआर भी नहीं आता इसमें साथ में। ये जो अपना पैनल में लगा रहता है उसी का उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड उसी का उपयोग किया जाएगा और आईआरबी उसी का उपयोग किया जाएगा। इन सभी में खासियत ये है कि इनमें लोगो जो है अलग अलग ब्रांड के इसमें पड़े हुए हैं, आप चाहें तो वही यूज कर सकते हैं, जैसे एलजी है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, तो इसमें पड़े हुए हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सॉफ्टवेयर सभी में कॉम्बो बोर्डों में इनबिल्ड है, सॉफ्टवेयर भी इसमें इनबिल्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट आप सीधा लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो HDMI हैं, देखिए यहाँ ये दो ऑडियो वीडियो दिए हुए हैं, ए बी सॉकेट, ये जो अपना पीसी के लिए है बीजी केबल है जो पीसी के, और ये जो RF एंड ट्यूनर है अपना, ये वही सिस्टम इसमें दिया हुआ है, कोई अंतर नहीं, देखिए आप पूरा वही। इसमें दो USB है, इसमें भी दो USB है, इसमें जो इसमें जो है दो वही ऑडियो वीडियो है, यहाँ पर एक बीजीए HDMI है एक, और यहाँ पर एक अपना USB पोर्ट दिया हुआ है और एक ट्यूनर दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना इसका फंक्शन है। इसमें जो रिमोट जो है वो भी LG का, सैमसंग का या चाइनीज़ रिमोट इसमें काम कर जाते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको इसमें इसको सेट में लगा के बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है, कैसे इसका आप LVDS कनेक्शन किए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और कैसे इसमें अधिकांशतः सभी रिमोट काम कर जाते हैं लगभग। इसमें जो है सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।